Hello, learners. In the previous lecture, we have discussed about the union of two set, intersection of set, difference of two sets, symmetric set, and all that. And we discussed how we can represent it through a Venn diagram. In this lecture, we are going to start with the definition of min set. Min set does mean what? जब मान लीजिए आपके पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और अगर आप उसके सबसेट्स ले लेते हो, ठीक है? लेट मी एक्सप्लेन यू. Suppose we are taking a set A is equal to 1, 2, 3, 4, and 5. And we have taken B1 is equal to 1, 2, and B2 is equal to 3, 2, 3, and 4. In that case, जो min set है हमारे पास वो कैसे आते हैं? जो भी इसके सबसेट दिए होते हैं उनकी इंटरसेक्शन के द्वारा, जिसमें हमारा पहला सेट क्या हो जाता है, B1 इंटरसेक्शन B2, दूसरा हो जाता है B1 इंटरसेक्शन B2 डैश, तीसरा हो जाता है B1 इंटरसेक्शन B2 एंड B1 डैश इंटरसेक्शन B2 डैश. तो ये जो फोर सेट हमारे पास यहाँ पे बन जाते हैं, A2, A3 एंड A4, तो ये जो फोर सेट हमारे पास यहाँ पे बन जाते हैं, दीज आर नोन एज अ मिन सेट. मिन सेट बेसिकली क्या चीज होती है कि जब आपने कोई भी एक सेट लिया तो हमने उस सेट को वहां पे उसकी इंटरसेक्शंस ले ली, तो उसकी इंटरसेक्शंस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? वो मिन सेट को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है? तो मिन सेट में मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी दो सेट हैं, जैसे कि से हमारे पास कोई भी दो सेट पड़े हुए हैं वहां पे, सपोज B1 एंड B2, तो इन दैट केस जो मिन सेट है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? B1 इंटरसेक्शन B2. A2 किसके द्वारा दिया जाएगा? B1 इंटरसेक्शन B2 डैश. और A3 किसके द्वारा दिया जाएगा? B1 डैश इंटरसेक्शन B2. और A4 किसके द्वारा दिया जाएगा? B1 डैश इंटरसेक्शन B2 डैश के द्वारा. इसी तरह से अगर हमारे पास तीन सेट हो तो तीन सेट भी हमने इसी तरह से ही उनकी इंटरसेक्शन लेनी है. पर लिखनी किस तरह से है ताकि हमसे कोई मिस ना हो जाए, क्योंकि चार का केस हम जैसे मर्जी लिख सकते हैं, बट आठ के केस में, आगे 16 के केस में में भी चांसेस कि हमसे कंफ्यूजन हो जाए और हम भूल जाएं. तो उसके लिए, इस केस के लिए जरूरी है कि जो भी आप तीन सेट लोगे, डोंट गो बाय रेक्टिफिकेशन, जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग कि हाउ यू हैव टू राइट डाउन दीस 8 मिन सेट. टेक 3 सेट, सबसे पहला सबसेट जो आपने लेना है उसको एक बार उसका सिंपल सेट लेना है, एक बार कॉम्प्लीमेंट लेना है, एक बार सिंपल, एक बार कॉम्प्लीमेंट, एक बार सिंपल, एक बार कॉम्प्लीमेंट. जो दूसरा सेट आपने लेना है उसका दो बार सिंपल, दो बार कॉम्प्लीमेंट, दो बार सिंपल, दो बार कॉम्प्लीमेंट. जो अगला सेट आपने लेना है उसका चार बार सिंपल, चार बार कॉम्प्लीमेंट. 2 की पावर के हिसाब से चलता है, जैसे 2 की पावर 0 होगी तो 1, 2 की पावर अपना 1 हो गई तो 2, 2 की पावर 2 हो गई तो हो गया 4. तो जब 2 की पावर 0 थी यानी कि 1 आया ना, तो एक बार सिंपल, एक बार कॉम्प्लीमेंट, एक बार सिंपल, एक बार कॉम्प्लीमेंट. ऐसे ही हमारे पास 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2 हो गया. इसका मतलब दो बार सिंपल, दो बार कॉम्प्लीमेंट, दो बार सिंपल, दो बार कॉम्प्लीमेंट. फिर उसके बाद 2 की पावर 2 कितना हुआ, 4, यानी कि 4 बार सिंपल, 4 बार कॉम्प्लीमेंट. और क्योंकि हमने कितने सबसेट लिए थे, 3 सबसेट लिए थे, 3 सबसेट मतलब 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8. तो 8 मिन सेट जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या होने चाहिए, बनने चाहिए. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि वेन डायग्राम ऑफ मिन सेट कैसे होएगी, कि मिन सेट को रिप्रेजेंट करके दिखाओ. तो आपने मिन सेट को बना लेना है, तो मिन सेट किस तरह से प्रेजेंट होती है, कि यहाँ पे सिंपल
दो वाले केस में तो हमें नहीं कोई दिक्कत आती, जब हम तीन वाले केस में देख रहे हैं तो ये जो A1 है यहाँ पे, ये कौन है, ये वो पोर्शन है जो B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3 का है, A2 वो पोर्शन है जो अकेला B1 और B2 के द्वारा है, B3 का क्या है वो कॉम्प्लीमेंट है उस केस में। इसी तरह से A4 आ गया, A5 आ गया, A3 आ गया, A6 आ गया और A7 आ जाएगा हमारे पास। यहीं पे ही अगर इन सेट को इंटरसेक्शन लेने की बजाय मैं यहाँ पे यूनियन ले लूं तो यही डेफिनेशन मिन सेट की बजाय किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, फिर मैक्स सेट की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, तो मैक्स सेट क्या होता है कि जब आपके पास मान लो दो सबसेट हैं, तो अगर आप उनके सारी पॉसिबिलिटीज की, क्योंकि बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ये किसके ऊपर है, बुलियन के कंसेप्ट से शुरू होता है। तो बुलियन जो है वो है ही दो चीजों का कंसेप्ट, ट्रू और फॉल्स, ऑन एंड ऑफ। ठीक है, तो हर चीज में वो दो ही एस्पेक्ट को लेके चलता है कि या तो चीज सही होगी या गलत होगी, या वो ऑन होएगी या वो ऑफ होएगी। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन उन्होंने भी यहाँ पे ये कंसेप्ट कंसर्ट कर लिए कि अगर हमारे पास कोई पॉसिबिलिटीज अकर कर रही हैं तो उसमें क्या हो सकता है कि या तो वो है या वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे से इन सारे सेट को फॉर्म किया है। उनमें से जब आप इंटरसेक्शन लेके सेट फॉर्म करते हो तो मिन सेट आती है, यूनियन लेके सेट फॉर्म करते हो तो मैक्स सेट आ जाती है हमारे पास। उसके बाद अगर आप इंटरसेक्शंस की यूनियन फाइंड आउट कर लेते हो तो दैट विल बी नोन एज अ मिन सेट नॉर्मल फॉर्म, उसे हम कहते हैं उसकी कैनोनिकल फॉर्म। और उसी तरह से अगर हम यूनियंस की इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, मैक्स सेट नॉर्मल फॉर्म आ जाती है। ठीक है, अब कई बार हमें क्वेश्चन दिया जा सकता है जैसे लाइक दिस कि लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 B1 and B2। जब हम B1 and B2 ये ले रहे हैं यहाँ पे, तो B1 कितना आ गया 1, 2, B2 कितना आ गया 2, 3। तो हमें कहा जा रहा है कि हमें इसका मिन सेट फाइंड आउट करना है। तो मिन सेट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम B1 कॉम्प्लीमेंट को भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर B1 1, 2 है तो B1 कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 3, अगर B2 2, 3 है तो B1 कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1, so A1 क्या आ गया यहाँ पे B1 intersection B2, that will be equal to 2, A2 क्या आ गया यहाँ पे B1 intersection B2 dash, that will be equal to 1, A3 क्या आ गया यहाँ पे B1 dash intersection B2, that will be equal to 3, A4 क्या आ गया यहाँ पे B1 dash intersection B2 dash is equal to 5, and what you have seen that कि जब मैं A1, A2, A3, A4 की यूनियन लूंगी ना तो वो क्या बन रहा है 1, 2, 3 बन रहा है, तो वो सेट आ रहा है। तो मिन सेट जो होते हैं वो हमेशा पार्टीशन फॉर्म करते हैं। पार्टीशन की डेफिनेशन ही यही कहती है कि जब उन सेट को आप यूनियन लोगे, ठीक है, जब उन सेट की आप यूनियन लोगे तो आपके पास आपका मेन सेट आना चाहिए। बट जब आप उन सेट की इंटरसेक्शन लोगे पेयर वाइज, when you take if you don't know about the definition of partition then do watch my previous videos, in that videos I have discussed about the definition of partition. So partition kya hota hai ki agar humne koi bhi set ke subsets dekhe wahan pe jo bhi hame de rakhe hain, jab aap unki union do lo to wo union kya form karni chahiye, wo universal set form karni chahiye. Agar wo universal set form nahi kar rahi hai to wo partition form nahi karegi. To jo min set hote hain wo hamesha पार्टीशन फॉर्म करते हैं। तो हमने ये मिनसेट को देखा यहाँ पे, जब A1 यूनियन A2 यूनियन A3 करेंगे, यहाँ यूनियन लिखना रह गया है तो काइंडली नोट डाउन द यूनियन हियर। सो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 क्या आएगा मेरे पास, A आ जाएगा। और जब मैं पेयर वाइज इनकी इंटरसेक्शन लूंगी, जैसे मान लो मैं A3 और A4 की इंटरसेक्शन लूँ, तो A3 क्या है 3, A4 क्या है 5, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या आई 5 आई मेरे पास। ऐसे ही A2 और A3 को देखो, 1 और 3 के इंटरसेक्शन क्या आ गई मेरे पास 5 आ गई, A1 और A2 के इंटरसेक्शन क्या आ गई 5 आ गई। तो अगर उनकी इंटरसेक्शन 5 आ रही है फॉर पेयर वाइज और उन सबकी यूनियन मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाती है, तो उस केस में हम कहते हैं कि मिन सेट जो है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, पार्टीशन फॉर्म कर रहे हैं। समटाइम हमें क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आता है कि राइट द मिन सेट नॉर्मल फॉर्म ऑफ B2 डैश। अब हमें और किसी की मिन सेट नॉर्मल फॉर्म नहीं लिख, सबकी नहीं कही, सिर्फ हमें किसकी कही है B2 डैश की कही है। तो हमने सिर्फ उन्हीं दोनों सेट को लेना है जिसमें B2 डैश आ रहा हो, इन केस इफ इट इज अ 2 सेट फॉर्म। ठीक है, अगर 3 सेट होते तो 3 सेट के हिसाब से ये चीज चलती, अभी ये 2 सेट है तो 2 सेट के हिसाब से चल रही है। ऐसे ही मैक्स सेट नॉर्मल फॉर्म कह दें तो मैक्स सेट नॉर्मल फॉर्म जैसे उन्होंने B1 की कह दी, तो B1 के द्वारा जितने सेट वहां पे हमें नजर आ रहे होंगे उन सबकी हमने क्या ले लेनी है, मैक्स सेट फॉर्म ले लेनी है। यहाँ पे ये मैं कैसे बात कर रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड. जैसे अब हमारे पास यहाँ पे हमने कहा था कि एक सेट ए हो गया, चेंज द कलर, एक सेट हमारे पास हो गया यहाँ पे बी वन, एक हो गया बी टू. तो हमने बी वन और बी टू में तो देखा था कि हमारे पास जो बनते हैं वो कैसे बन रहे हैं, बी वन इंटरसेक्शन बी टू. ए टू कैसे बन रहा था हमारा, बी वन इंटरसेक्शन बी टू डैश. ए थ्री क्या बन रहा था हमारा, बी वन डैश इंटरसेक्शन बी टू, डैश है वन. ए फोर आ रही है हमारे पास, बी वन डैश इंटरसेक्शन बी टू डैश, ठीक है ना. तो ये हमने यहाँ पे देखी. अब अगर मान लो मुझे कोई कहता है कि मेरे को नॉर्मल फॉर्म लिखनी है, ठीक है, जैसे मान लो मुझे कोई कहे कि मुझे बी वन की मिन सेट नॉर्मल फॉर्म लिखनी है, तो मिन सेट नॉर्मल फॉर्म ऑफ बी वन, सिर्फ बी वन की पूछी है, तो मैंने सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स को लेना है जो बी वन वाले हैं. कौन है बी वन वाले, ये दोनों बी वन वाले हैं, ठीक है ना. और इंटरसेक्शन मुझे दी हुई है, नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि इंटरसेक्शंस की यूनियन लेनी है. दैट मींस मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ए वन यूनियन ए टू फाइंड आउट करना है. यहीं पे ही मान लो अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता कि हमारे को तीन दिए होते यहाँ, बी वन बी टू एंड बी थ्री, ठीक है ना, तीन सबसेट्स दिए होते, तो हमें पता है कि हमारे पास ये किस तरह से चलने थे. B1 चार बार आ गया सिंपल वे में, फिर B1 चार बार आएगा कॉम्प्लीमेंट के वे में, फिर इंटरसेक्शंस डाल दिए बीच में, फिर B2 आ गया दो बार सिंपल, दो बार कॉम्प्लीमेंट, फिर दो बार सिंपल. एक मिनट, ये कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ छ, सो दो बार सिंपल, दो बार कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद इंटरसेक्शंस डाल दिए, फिर उसके बाद एक बार सिंपल, एक बार कॉम्प्लीमेंट, 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 ठीक है ना. तो ये सारे के सारे सेट हमारे पास आ गए. अब मुझे कोई कहे कि मिन सेट नॉर्मल फॉर्म बी टू डैश की फाइंड आउट करो. अब बी टू डैश किसके पास है, लेट मी चेंज द कलर. बी टू डैश कौन कौन के पास है, ये रहा बी टू डैश, ये रहा बी टू डैश, ये रहा बी टू डैश, ये रहा बी टू डैश. तो मैं क्या करूंगी, मैं इसकी इसकी यूनियन एज वेल एज अलॉन्ग विद दिस इनकी यूनियन फाइंड आउट करूंगी. अगर मान लो इनका नाम ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया, D4 हो गया, D5, D6, D7, D8, तो दैट मीन्स मिन सेट किसके द्वारा दी जाएगी, D3 यूनियन D4 यूनियन D, सॉरी यूनियन D7 एंड यूनियन D8.
8. So by this way हमने यहाँ पे क्या कर देना है, min set normal forms को explain कर देना है. इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे ये कहा जाता कि हमें जो है max set find out करनी है, तो max set के लिए simple हमने क्या करना है, पहले तो इनकी unions consider कर देनी है. union consider करने के बाद हमने क्या करना है, उनकी आपस में intersection ले लेनी है. So this is all about min set and normal set. और ये उसके ऊपर based questions आते हैं आपके पास. नेक्स्ट हमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज एंड लॉज ऑफ द सेट प्रूव दैट ए माइनस बी ब्रैकेट में बी यूनियन सी और ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी आपस में बराबर है. ठीक है ना. सो अब क्योंकि हमें उसने प्रॉपर्टीज और लॉज को यूज करके कहा है कि इन्हें आपस में इक्वल शो करना है, तो जितनी प्रॉपर्टीज हमारे पास है हम उन्हें यूज करेंगे. इन प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू कि ए माइनस बी समथिंग जो है कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी डैश. व्हेन आई टोल्ड यू द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, यू माइनस ए भी लिख सकती हूँ ना. तो इन द सेम वे ए माइनस बी जो है वो क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है. सो यहाँ पे ए माइनस बी यूनियन सी पड़ा हुआ है, सो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट. अब बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी मॉर्गन्स लॉ को. तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ बी यूनियन सी होल डैश किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश के बराबर हो जाएगा. तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश हो जाएगा. अब यहाँ पे लगा देंगे हम क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. जब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई, एसोसिएटिव कह दो या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई बेसिकली हमने यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बीच में इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी डैश, क्योंकि इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यहाँ पे. अब अगेन ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन गया, जो ऊपर हमने यूज किया. अब ए इंटरसेक्शन बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी. इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी डैश को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस सी. अगर इससे आगे भी हमें कोई चीज कही होती, क्योंकि ये दोनों फिर से आपस में इंटरसेक्शन में आ गए हैं, तो ये चीज को भी हम चाहें तो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट उन्होंने क्वेश्चन हमें यहीं तक पूछा था इसलिए हमने उसे यहीं पे खत्म कर दिया. इन अ सेम वे हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ए यूनियन बी माइनस सी जो है वो इसके बराबर होना चाहिए. तो माइनस के केस में हमें पता होना चाहिए कि हमेशा माइनस जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखी जाती है. ठीक है ना. तो ए यूनियन बी माइनस सी जो है वो किसके बराबर होगी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डैश के बराबर होगी अकॉर्डिंग टू अभी फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे यूज किया. अब लगा दी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई तो ए इंटरसेक्शन सी डैश एक ब्रैकेट में आ जाएगा, B इंटरसेक्शन C डैश एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो किसके ऊपर रहे हैं, यूनियन के ऊपर. अब A इंटरसेक्शन C डैश को क्या लिखा जा सकता है, A माइनस C, और B इंटरसेक्शन C डैश को क्या लिखा जा सकता है, B माइनस C. तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी. So I hope it will be clear to you कि what is the union, how we can take the union of two set, how we can take the intersection of two set. For all these you must watch all the previous videos to get through the concept of set theory. Thank you for watching the video.